ce? O să mar, să cu marul, vor să mar. Să nu mar, să lege. Are auzi eu, mănăm zi. Mănăm zi, mă mă tot cât o să arăți la te. Or mare mă tot adată în bizli mirăti, TV că de. Volume कम करो मुझे तुमसे बात करनी है जी वॉल्यूम कम करो अच्छा वॉल्यूम जी ये मुझे आपसे कुछ बात करनी है हाँ जी बोलो जी रमाकांत जी मुझे लगता है कि आपको अब शिमला वापस लौट जाना चाहिए काफी दिन हो गए ना 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 मेरे को कोई जल्दी नहीं वापस जाने की आप कहेंगे तो और रह सकता हूँ मैं ऐसा नहीं कहूंगी क्योंकि इस घर में इतनी जगह नहीं इतने सारे लोगों के लिए ओ जी जगह का क्या जी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ कैसे भी रह लेता हूँ हाँ जी एक बात है जब तक मुझे इस बात की गारंटी नहीं मिल जाती कि मेरी बेटी अच्छी तरह से सेट हो गई है जी नहीं करता जी यहां से जाने का नहीं आप समझ गई ना मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं तो समझ गई मगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे आपकी बेटी की रिहर्सल उसकी ग्रूमिंग उसे कहाँ पहुंचना है उन सब का ख्याल मैं रखूंगी आपको मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा और वैसे भी रिया के कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि आप मुंबई में आते हैं पैसे आपको मिल गए बाकी पैसे जब कहा है सही वक्त पर आपको मिल जाएंगे अंडरस्टैंड आप अपना सामान पैक कीजिए और जाने की तैयारी कीजिए जी जी एक मिनट के लिए तो मेरा दिमाग टकरा गया कि ये कौन है रिया तो लगती नहीं है अभी मान गया जी आपको आप एक नंबर की जादू करनी है कितना अच्छा जादू किया रिया को बदल ही दिया कसम हिमाचल की बहुत अच्छी लग रही है बैठ बेटी तो बैठ मेरे पास बैठ अभी देखना रिया मेरे साथ रहेगी और सीढ़ी पर सीढ़ी चलती रहेगी और वैसे भी आज रिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज ये तय होगा कि रिया की जीत होगी या हार हार नहीं हार से मतलब क्या जी आपका आज मैं उसे अपने ऑफिस के बाकी लोगों से मिलवाने वाली हूँ अगर उन सबको लगा कि रिया वही चेहरा है जिसकी हमें तलाश है तो रिया जीत गई और अगर उनमें से किसी एक को भी लगा कि रिया वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं आई एम सॉरी फिर रिया की हार है और फिर I'm sorry to say, आप दोनों को अपना सामान पैक करके शिमला वापस जाना होगा। चलो रिया, let's go and see what's in store for you today. बेटी हिमाचल का नाम रोशन कर देना आज। ये गाड़ी में जाओ मैं आ रही हूँ। And you, miss, तुम अपना सामान पैक करके रखना। किसी भी सूरत में तुम आज शिमला जा रहे हो। जादूगरनी मेरे को भीचड़े के पीछे क्यों पड़ गई है समझ नहीं आ रहा मिली कॉफी ले लो बेटा थैंक यू मम्मा आरती थैंक यू एक घंटे में तुम लोग खाना खा लेना हाँ मम्मा व्हाट हैपेंड कुछ नहीं हुआ बेटा मम्मा कोई परेशानी है नहीं बेटा कोई परेशानी नहीं है सच में कोई परेशानी नहीं मम्मा सिट कम हियर दरअसल क्या है ना तुम्हारे पापा के रूटीन ने परेशान कर दिया है जब देखो टूर पे चले जाते हैं अब देखो ना पहले दो दिन में वापस आ जाते थे आजकल तो सात आठ दिन से कम लगाते ही नहीं तो मम्मा आप ऐसा कहिए ना कि आप पापा को मिस कर रही है ऑफ कोर्स मम्मा हम दोनों अपनी पढ़ाई में इतनी बिजी रहते हैं अब बात करेंगे भी तो किससे नहीं नहीं बेटा तुम्हारी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है मैं कैसे तुम दोनों से कहूँ कि मेरे लिए कुछ करो वैसे भी मेरे लिए जो कुछ भी कोई करे जब मैं टेंस होती हूँ ना तो तुम्हारे पापा मेरे लिए बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं आई एम मिसिंग दैट कॉफ़ी इतनी सी बात मामा आज कॉफ़ी मैं आपके लिए बना देती हूँ आप बैठ के पढ़िए बस एक बहाना चाहिए यहाँ से भागने का Why do you always do this to me, Mama? इतनी प्यार से आपके लिए कॉफी बनाना चाहती थी और I'm sorry, बेटा
तुम्हारे पापा की टेंशन मेरे दिमाग पर इतनी हावी हो गई है कि मैं तुम्हारे ऑनेस्ट इंटेंशंस को भी नहीं समझ पाई. कम ऑन, मेक मी अ गुड कप ऑफ कॉफी. एक मिनट में आई. बस सोचो, मेरी सास ससुर को इस उम्र में सब कुछ देखना पड़ रहा है. बिंदु भाभी की वजह से एक बार फिर हमारी जिंदगी में तूफान मच गया. Tell me one thing. उन लोगों को अक्ल नहीं है क्या? उन्हें पता नहीं कि पैसे झाड़ पे नहीं उगते या फ्रिज में नहीं मिलते? पता है, सुधीर और मैंने भी कई बार घर छोड़ने की बात की थी, लेकिन एक बार भी हम दोनों ने कभी जायदाद हिस्सा बंटवारे के बारे में कभी सोचा ही नहीं. बिंदु भाभी को घर छोड़ने की और माचर पिताजी को कितनी तकलीफ हो रही है इस बात की कोई फिक्र ही नहीं. ऑब्वियसली परवाह नहीं होगी ना. 75 लाख का सवाल जो सच्ची में ये पैसा ऐसी चीज है ना, इंसान को कैसा बना देता है. रिश्ते घर बार कोई मायने नहीं रखता है यार. बट क्या तुम लोगों ने उन्हें ढंग से समझाया है, मतलब बात बात की है? आई मीन एनी सोल्यूशन? ऑफकोर्स पिक्सी, ट्राइड एवरीथिंग. लेकिन जब बात मानने मानने पर सुधीर और भूषण ने एक दूसरे से कभी चिल्ला के बात ही नहीं. आज बिंदु भाभी की वजह से ओह गॉड आई डोंट नो व्हाट टू से. चिल या प्लीज, डोंट गेट अपसेट ना. प्रॉब्लम तो होती है. या देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब इतना सारा पैसा इतनी जल्दी कैसे जुटा सकते हैं? अरे सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन मांग रही है. बट हाय, क्या चल रहा है? क्या हो गया, लेट हो गए? बस घर के काम निपटाते निपटाते देर हो जाती है. क्या हुआ, विद्या नहीं आई अभी तक? वो कैसे आ सकती, एग्जाम्स चल रहे हैं ना उनके आजकल, प्रिपेयर कर रही हैं. हेमंत जी, लुकिंग नाइस. हां, लुकिंग नाइस बट नॉट फीलिंग नाइस. क्यों, क्या हुआ? क्या है वो, वन मिनट, सॉरी मैं भूल जाऊंगी. टीना, वी वर टॉकिंग अबाउट द लोन. I don't think so we'll get it. हाँ, अच्छा by the way, वो नताशा का आ रही है नहीं आ रही है, मतलब what's with her? Oh God, हर जगह sob stories है. लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है यार. हर जगह उसने जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन कहीं से भी आंसर नहीं आ रहा है. And she's losing hope. But I told her, please keep trying. कहीं ना कहीं से तो कॉल जरूर आएगी. Life is funny यार. मतलब इतने सालों के बाद one fine day you realize कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है. इट रियली शेक्स योर कॉन्फिडेंस यू नो. और ऊपर से फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, तो भगवान ही बचाए. मेरे सिवा सबकी चिंता है यहाँ. लेकिन मेरा प्रॉब्लम है ही ऐसा कि नहीं, मैं इन्हें अपनी गुजरी हुई जिंदगी अपने पास के बारे में नहीं बता सकती. इट्स टू मच. और रिया, उसके बारे में नहीं, आई कांट टेल देम. मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने सारे राज खोल दूं. नो, तो फिर मैं यहाँ आई क्यों हूँ? यही तो मेरे अपने दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं. इन्हें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? जी डॉक्टर, वैसे तो आई एम फीलिंग फाइन, लेकिन चेस्ट में अभी थोड़ा सा दर्द हो रहा है. जी ज्यादा नहीं, हल्का सा. नहीं, ऑयली फूड नहीं खा रहा हूं और ड्रिंक्स भी नहीं ले रहा हूं. ठीक है, मैं आपके क्लिनिक में आ जाता हूं थोड़ी देर के बाद. नहीं, ब्रेथलेसनेस बिल्कुल नहीं है. नो, अच्छी बात है. स्ट्रेस टेस्ट भी करवा देते हैं. राइट डॉक्टर कपाड़िया, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गुड मॉर्निंग डब्स, कैसा है मरीज? मैं कोई मरीज वरी नहीं हुआ. कल कहते तब मानती मैं. रात गई बात गई, डॉक्टर कबाड़े से बात हुई. He says I'm fine. बस थोड़ा सा चेकअप के लिए जा रहा है. चलो चलते हैं. चलते हैं कहाँ? अभी तो मैंने बताया ना, डॉक्टर कबाड़े के यहाँ जाना है.
चेकअप के लिए, तू मेरे साथ चल तो रही हो? कमाल है दबू, अभी तक तो तुम कह रहे थे कि एब्सोल्युटली फाइन, अब कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ चलूं डॉक्टर के पास? Can't you go on your own? अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा क्या? After all, I'm your husband, damn it. You're my husband, Dabu, not my child. तुम अच्छी तरह से जानते हो कि परसों मेरा शो है, आज ग्रैंड रिहर्सल है. अगर मैं आज नहीं गई तो चार महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा. Today's the rehearsal and I've got to go. And you know that, okay? Yes, I get that. अभी अगर मनु विराज का फोन आ जाए तो तुम दौड़ी दौड़ी उसके पास चले जाओगी. बाहर में जाए तुम्हारा फैशन शो, बाहर में जाए तुम्हारा रिहर्सल, लेकिन मेरे लिए और मेरी बीमारी के लिए तुम्हारे पास कभी भी वक्त नहीं होता. Never. Yeah, you're absolutely right. फिजूल कामों के लिए जो काम तुम खुद अपने आप कर सकते हो मेरे पास वक्त नहीं है. And about Raj, you know something? तुम मन ही मन ये चाहते हो कि काश तुम उसके जैसे होते. तुम्हें कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यू वॉन्ट टू बी जस्ट लाइक हिम, स्मार्ट, आउट गोइंग एंड मेरे करीब. अगर तुम मुझे इमोशनल सिक्योरिटी नहीं दे पाए हो, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स योर्स. अपना झूठ ढकने में तुम उस्ताद हो. सारी दुनिया जानती है तुम्हारे और मनु विराज के बीच में क्या चक्कर चल रहा है. एब्सोल्युटली राइट, सारी दुनिया जानती है क्योंकि मैं छुप छुप के कुछ नहीं कर रही हूँ. राज मेरा अच्छा दोस्त है और रहेगा. एंड होल्ड ऑन, ये बात भी सच है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और रहूंगी. एंड नाउ व्हाट यू वांट टू डू अबाउट दैट डिसाइड, बिकॉज़ मुझे देर हो रही है, आई हैव गॉट टू गो. जाओ जाओ जाओ, पता नहीं कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो. मैं तो बस एक चेकबुक हूँ ना, जब मन कहा साइन करवाया और चल दी. लेकिन राज तो तुम्हारे लिए. स्टॉप दिस नॉनसेंस डब्बू, जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस. आई एम अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन और अपना खर्चा मैं खुद उठा सकती हूँ. अपने हस्बैंड होने की धौंस मुझ पर मत जमाओ. तुम मेरी बीवी रहकर मेरे लिए कुछ एहसान नहीं कर रही हो. जाओ जहां जाना है तुम्हें, गो गेट लॉस्ट एंड डोंट कम बैक. व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट्स रॉन्ग? डबू, व्हाट्स रॉन्ग? क्या? क्या? ओ गॉड, शबू, बोला कोई है? ओ गॉड, डबू, ओह शिट, ओह गॉड, डबू, रिलैक्स, इट बी ओके. हेलो, हेलो डॉक्टर कपाड़िया, या, डबू, हाँ, हाँ, प्लीज, आप चले आइए, प्लीज, प्लीज, डबू, जस्ट रिलैक्स, शंभू. मैंने तय कर लिया है, बस एक ही रास्ता है. कौन सा रास्ता? मैं माजी को कहूंगी कि पुरानी हवेली बिंदु भाभी को दे दे, उसमें से सुधीर और मुझे कुछ नहीं चाहिए. पागल हो गई है क्या? I mean, it's heritage property. उन्हें तो उसकी वैल्यू भी नहीं समझ में आएगी. एक दिन में बेच देंगे, पता भी नहीं चलेगा. और वो तेरी बाप दादा की निशानी है यार. सीरियसली थिंक ऑफ इट, अगर बेच दी तो. जब घर ही लूट गया यार, तो हेरिटेज और पुश्तानी जायदाद का क्या मुंह. जाने दो, लेट बी, मिक्स नो सेंस यार, जस्ट लेट बी. टीना, अगर तूने और सुधीर ने वो हवेली उनको दे दी ना, तो कुछ अच्छा नहीं होगा. डोंट डू दैट, आई एम टेलिंग यू. मंजू, मंजू बात क्या है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? अरे हाँ मंजू, यू हैवंट सेड अ वर्ड येट. नहीं तो तुम लोगों की बातें सुन रही थी. ओके, सॉरी मंजू, तूने कहा था तुझे कुछ बात करनी है. टीना और नताशा की थोड़ी प्रॉब्लम्स हम लोग भूल गए. चलो बीच में कुछ कह भी रही थी, इनकम्प्लीट रहेगी बात. क्या हुआ? नहीं नहीं तो ए मंजू बोल दी, हम सब अपना दर्द खोल रहे हैं यहाँ पर. वी आर ऑल हियर, हम सब हैं यहाँ पर. चल बता क्या है तेरे मन में. मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है. ट्रिकी, क्या कह रही थी?
चुप व्हाट इज इट, बात क्या है, बोलो तो सही, क्या हुआ? मंजू अगर तुम बताओगी नहीं तो हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? चल अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ मेरे बात हो गया, नथिंग कैन बी डन। मंजू ऐसे नहीं कहते, जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं ना उनके साथ कभी ऐसा नहीं होता, बोलो तो सही बात क्या है, प्लीज मंजू। एग्जैक्टली मंजू, तुम ही तो कहती थी ना कि कोशिश किए बिना कभी हार नहीं माननी चाहिए, then how can you be like this? What's wrong? मंजू तुम ऐसे हार मानोगे तो कैसे चलेगा यार, बताओ ना क्या हुआ? इतनी पुरानी बात है, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। मंजू फील कंफर्टेबल, ओके? ये जो मैं जिंदगी जी रही हूं ना उससे हटकर मेरी एक और जिंदगी थी जो शिमला के दिनों तक जाती है, वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, बहुत बड़ा शो था, बड़े बड़े प्राइजेस, बड़े बड़े सपने, और मैं 18 साल की थी, छोटी सी मासूम छोटे से शहर की लड़की, और वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने मेरी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया, उन्होंने मुझे रेप कर डाला। बस थोड़ा सा सब्र कर लो, जस्ट रिलैक्स, ओके? देखो डॉक्टर साहब आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। सुनो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, ओके? ओके मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। डॉक्टर साहब आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ जी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, ही इज वेरी सीरियस। ही सीरियस? या वी हैव टू हरी अप, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो, दिस डॉक्टर कपाड़िया स्पीकिंग। एक एड्रेस नोट की, बंगला नंबर 14 12th रोड JPD स्कीम जी। इस एड्रेस पर आप एक जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस भेजिए, जितना जल्दी हो सके, विद ऑक्सीजन एंड मास्क, प्लीज हरी अप। ऑक्सीजन मास्क, डॉक्टर क्या हुआ है इन्हें, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। आप पिछले 12 घंटों में दो बार अटैक आ चुका है, आई एम सरप्राइज अभी तक नॉर्मल कैसे है? और हो सके तो कुछ कैश भी रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉपरेशन करना पड़ेगा। कितना कैश लग जाएगा? कम से कम 1-2 लाख रुपए, और अगर बाईपास करना हुआ तो शायद उससे ज्यादा लगेगा। प्लीज सॉरी। ओके ओके, आप इन्हें अटेंड करिए, मैं पैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। हेलो, हाँ हेलो मैनेजर साहब, मैं रेवा बल्होत्रा बोल रही हूँ। देखिए मुझे कुछ कैश विड्रॉ करना है, अबाउट 3 लाख, आई मीन नहीं 4 लाख, मैं ड्राइवर को भेज रही हूँ, आप उन्हें पैसे दे दीजिए, माय अकाउंट नंबर इज। सॉरी मैडम, देखिए इस वक्त मैं खुद नहीं आ सकती। मैडम वो बात नहीं है, आपके अकाउंट फ्रोजन है। फ्रोजन है? क्यों बंद है? कैश तो है ना उनमें। देखिए आप जानते हैं ना किससे बात कर रहे हैं। लिसन सर, दिस इज नो टाइम टू हैरेस मी, my husband's in a very serious situation. It is not that madam, paisa hoga aapke accounts mein, lekin aapke creditors ne court mein case darj kiya. Case? Kaisa case? Kis baat ke liye? Aapke pati ne bataya nahi aapko, he is nearing bankruptcy. Bankruptcy? Mujhe bataya nahi.